हाय फ्रेंड्स, shildha.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वेजिटेबल रेसिपी लेकर आए हैं उसका नाम है कद्दू या पम्पकिन की सब्जी। कद्दू या पम्पकिन की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए कटे हुए कद्दू, सौंफ, दाना मेथी, जीरा, राई, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, हरी मिर्च, शक्कर या चीनी, नींबू का रस और हरा धनिया। एक बाउल में पानी डालकर 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया डालकर पेस्ट तैयार करेंगे। अब एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालकर मिलाएंगे। फिर इसमें तैयार मसाले का पेस्ट डालकर पकाएंगे। जब मसाला पक जाए तो कटा हुआ कद्दू डालकर मिला देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सौंफ, दाना मेथी और थोड़ा सा पानी डालकर मिलाएंगे। अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। अब ढक्कन हटाकर इसमें 2 से 3 टीस्पून शक्कर या चीनी डालकर मिलाकर पकाएंगे। अब इसमें नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिलाएंगे। इस तरह से हमारी कद्दू या पम्पकिन की सब्जी तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप स्क्रीन पर दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके हमारी अन्य रेसिपीज को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।